हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो के आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा किचन ब्लॉग और साथ में घर के कुछ काम। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, झाड़ू निकाल ली थी, अब रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए। आज बच्चों का पेपर है तो टिफिन लेके नहीं जाएंगे, तो दूध ही पी के जाएंगे। तो देखिए दूध को छान के मैंने रख दिया है, तो गैस को ऑन कर देते हैं। तो सुबह की हमारी शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ। और देखिए गर्म पानी मैंने कर लिया था 1 गिलास भर के, तो पानी पी लेंगे। और इसी बर्तन में डाल दिया मैंने चाय बनने के, थोड़ी सी चाय बनेगी। मैंने दूध रख दिया है, उसमें डाल दिया अदरक, चाय की पत्ती और थोड़ी सी चीनी और एक पताशा डाल देती हूँ। देखिए एक बताशा डाल दिया है, तो चाय में हमारे देगी अच्छे से उबाल आने लगा है, तो चाय को उबलने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो चाय हमारी पक चुकी है और दूध में भी अच्छे से उबाल आने लगा है, तो गैस को बंद कर दिया है। थोड़े से मखाने फ्राई कर लेंगे। मखाने खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। तो देखिए उबले हुए दूध में से मैंने 2 गिलास दूध अलग बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें डाल दिए मैंने 1 कटोरी मखाना, 2-3 खजूर और थोड़ी सी अंजीर। इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो चाय भी बनके तैयार हो चुकी है और मखाना भी फ्राई हो चुका है, तो आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो आज दोपहर के लंच में बनाई है मैंने, देखिए पंचमेल दाल। तो दाल को अच्छे से मैंने साफ कर लिया था, अब मैंने हंडिया में रख दिया है पानी। पानी उबलने के लिए रख दिया था, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसको डाल देंगे हंडिया में। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल। 1 से 2 बूंद तेल डाल दिया ताकि जो है हमारी दाल है वो उबल के बाहर की तरफ न निकले। तो इसको ढक के रख देंगे और इसको पकने देंगे। इतने कर लेते हैं हम घर के बाकी के काम, जितने हमारी दाल बनके तैयार होगी। तो देखिए इतनी हमारी दाल सॉफ्ट हुई है और दाल में उबाल भी आने लगा है। तो इतने मैंने पोंछा और कपड़े धो के सुखा दिए थे। तो एक बार दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गली है या नहीं। तो देखिए मिट्टी के बर्तन में इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी सब्जी बनती है। देखिए आधे घंटे में हमारी दाल कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना हेल्दी होता है। इनका रख रखाव थोड़ा सा टफ है, नहीं तो खाना काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होता है। दाल हमारी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा देखिए लकड़ी के चम्मच से इस तरह से घोट देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से पतली हो जाए। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे पैन रख दिया, उसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा डाल देंगे सरसों का तेल। दोनों को मिक्स करके गर्म कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तेल में मैंने डाल दिया, तेल में डाल दिया जीरा और हींग। अब डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन कटा हुआ, तो इनको थोड़ा थोड़ा भुनने देते हैं। अब डाल दिए कटी हुई प्याज, मिक्स कर लेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो इसमें हम दाल में लगा देंगे तड़का। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए दाल में तड़का लगा दिया है। टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी मिट्टी के बर्तन में दाल बन के हो चुकी है तैयार। खाने में स्वादिष्ट और हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर एक बार आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने लगेंगे तो आप इसी में खाना बनाएंगे और किसी बर्तन में नहीं बनाएंगे। इतना लाजवाब और टेस्टी खाना बनके तैयार होता है मिट्टी के बर्तन में।
तो देखिए दाल हमारी अरहर की भी है इसमें, उड़द की भी है, और वो देखिए मिट्टी के बर्तन में पक गई है, कुकर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दाल बन के तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। देखिए टेस्ट और मज़ेदार सी दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो लंच में है मिक्स दाल, प्लेन रोटियां, साथ में मक्खन और मट्ठा, गुड़ और हरी मिर्च का अचार। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और घर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था झाड़ू लगा के, घर भी हमारा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो सर्दियाँ होने लगी हैं तो इस सर्दियों में एड़ियाँ फटने लगती है, तो इसके लिए बनाए मैंने घरेलू। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए एक एलोवेरा मैंने काट लिया है, अब इसको रख दिया ताकि इसका पीला जो भाग है वो निकल जाए। इसके लिए चाहिए हमें देखिए सरसों का तेल, एलोवेरा, एक सफ़ेद मोमबत्ती और एक विटामिन ई का कैप्सूल, नारियल का तेल और एक खाली कंटेनर। तो एक बर्तन ले लिया मैंने मोटी तली का, उसमें डाल दिया देखिए थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सरसों का तेल, इनकी मात्रा आप एक समान कर ले जितना आपको बनाना हो। अब मैंने डाल दिया एक विटामिन ई का कैप्सूल, और जो हमारी मोमबत्ती है देखिए इसको आप या तो इस तरह से पिलर से पील ऑफ कर ले या इसके टुकड़े टुकड़े काट ले। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आप टुकड़े भी तोड़ सकते हैं। तो बर्तन को मैंने गैस पर रख दिया, अभी गैस ऑन नहीं किया, उसमें डाल दिया देखिए सफ़ेद वाली मोमबत्ती। आप इसको सफ़ेद मोमबत्ती से ही बनाएं। तो एलोवेरा को देखिए दोनों तरफ से काट लेंगे, इसके कांटे निकालने के बाद इसके ऊपर का छिलका निकाल लेते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड एलोवेरा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन घर का हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो देखिए इसका छिलका उतारने के बाद इसको देखिए मैंने इस तरह से काट लिया था, और इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका पल्प। तो देखिए एलोवेरा भी हमारा निकल चुका है, गैस को ऑन कर देंगे और धीमी गैस कर लेंगे, और इसको देखिए हम थोड़ा थोड़ा चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि हमारी मोमबत्ती अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे एलोवेरा और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, इससे हमारी फटी हुई एड़ियाँ जल्दी से ठीक हो जाती हैं। तो गैस को बंद कर देंगे और उसको इसी तरह से चला लेंगे नीचे रख के ताकि ये ठंडा हो जाए। आप इसे चलाते रहें, चलाते रहेंगे तो हमारा जो मिश्रण है एक सार बन के तैयार होगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा होने लगेगा। देखिए मिश्रण हमारा बन के तैयार हो चुका है, इसको कंटेनर में डाल लेते हैं। साफ़ सुथरा सा कंटेनर ले लीजिए आप, कोई डिब्बा। आप इसे एक बार बना लीजिए, कई महीनों तक ये ख़राब नहीं होता। घरेलू नुस्खा, तो देखिए इस तरह से आप फटे हुए पैरों पे इसको लगा लीजिए और ऊपर से सॉक्स पहन लीजिए। रात में भी लगा लीजिए, एक बार दिन में लगा लीजिए, आपकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।